तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 16 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10 जो कि आपको 12 अगस्त 2021 को स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। और आज की हमारी टॉपिक है अ लेटर टू गॉड, जैसा कि आप बुक में भी पढ़ रखे हो, काफ़ी यूनिक स्टोरी है। तो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं 9 क्वेश्चन हैं, उनका आंसर हमें इसी में से देना है इस पैराग्राफ को पढ़कर। तो बुक में भी आप रीड आउट कर चुके हो, तो आप पैराग्राफ को पढ़ना, हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे और साथ में उसके आंसर, और लास्ट में सारे आंसर लिखकर बता दिए जाएंगे, आप वहाँ से नोट कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, यानी लेंचो का जो घर था कहाँ पर स्थित था। तो बी ऑप्शन राइट है इसमें, फर्स्ट में टॉप ऑफ द हिल। सेकंड क्वेश्चन, पिक द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू, यानी ऐसा ऑप्शन हमको यहाँ से चूज़ करना है जो सही नहीं है। अबाउट लेंचो अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, लेंचो के लिए। तो सेकंड में ऑप्शन नंबर सी राइट है हमारा, वाज क्वाइट हैप्पी आफ्टर द रेन वाज ओवर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स मीन्स दैट, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा थर्ड में, ठीक है। द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट है, ए सोवर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप विद, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, डी न्यू कॉइंस। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हेल स्टोन्स वर कंपेयर्ड टू डैश इन द स्टोरी, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है, सिल्वर कॉइंस। क्वेश्चन नंबर सेवन, बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट इज लेंचो नॉट लाइकली टू थिंक वाइल लुकिंग एट हिज फील्ड, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेवन ऑप्शन नंबर डी राइट है हमारा, ठीक है ना, आई विश वी हैव एनफ फूड टू ईट आफ्टर दिस हार्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर एट है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, हेल स्ट्रॉम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, द डैमेज कॉस्ड वाज एज बिग एज अ डैमेज कॉस्ड ड्यू टू, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है, प्लेग ऑफ लोकस्ट, क्लियर है। अब यहाँ से आप सारे आंसर देख लीजिए वन बाय वन करके, आंसर नंबर वन बी ऑप्शन राइट, आंसर नंबर टू सी ऑप्शन, आंसर नंबर थ्री बी, आंसर फोर ए, आंसर फाइव में डी ऑप्शन, आंसर सिक्स में सी एंड आंसर नंबर सेवन में डी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसके बाद में अगला आंसर नंबर नाइन, आंसर नंबर नाइन में हमारा ये रहा हेल स्टॉर्म, और आंसर नंबर टेन सॉरी आंसर नंबर एट में बी ऑप्शन है, हेल स्टॉर्म, और नाइन में सी, प्लेग ऑफ लोकस्ट, क्लियर है। और इसी के साथ आपकी वर्कशीट नंबर 16 कंप्लीट हुई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।